नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। एक बार फिर पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई थी। उन्होंने लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। यह छठा मौका था जब नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से देश के लोगों के सामने अपनी बातें रखी। उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी भावनाएं रखी, अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भविष्य के बारे में बताया। लगभग 1.5 घंटे चले इस भाषण में उनका पूरा ध्यान राष्ट्रवाद पर था। अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र हो या पूरे देश में GST और नेशनल मोबिलिटी कार्ड लागू करने की बात, ट्रिपल तलाक हो या प्रशासनिक और आर्थिक पहल, उनका पूरा फोकस राष्ट्रवाद पर ही था। उन्होंने घोषणाएं तो कई की पर उन्हें किस तरह लागू किया जाएगा ये नहीं बताया। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की नियुक्ति की घोषणा की पर यह नहीं बताया कि उसकी भूमिका क्या होगी। क्या वह प्रधानमंत्री को सभी सैन्य मामलों पर सलाह देने वाला अंतिम व्यक्ति होगा, पता नहीं। प्रधानमंत्री ने आर्थिक प्रबंधन की बात की और विकास पर जोर दिया पर किसी प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा नहीं की और न ही टैक्स में किसी तरह की राहत दी। नरेंद्र मोदी ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था होगा और एक इंटीग्रेटेड गैस ग्रिड तैयार किया जाएगा। मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में भारत निर्यात हब बनने जा रहा है लेकिन ये नहीं बताया कि ये कैसे होगा क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बीते 7 महीनों में निर्यात में इसी अवधि की तुलना में 9.7% की गिरावट दर्ज की गई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वेल्थ क्रिएशन को शक और संदेह की नज़रों से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए लेकिन उन्होंने आर्थिक प्रबंधन के लिए कोई घोषणा नहीं की। लाल किले से अपने दिए भाषण में एक बार फिर उन्होंने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की बात की और नकदी को हतोत्साहित करने पर जोर दिया। यह घोषणा बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि परिवार वालों को ये सोचना चाहिए कि वे होने वाले बच्चे का भरण पोषण, उसका देखभाल करने की स्थिति में हैं या नहीं। प्रधानमंत्री ने काफ़ी बातें कहीं लेकिन जो बातें उन्होंने नहीं कहीं वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 10 दिनों से परेशान हैं। उनकी रोजी रोटी, खाना पीना, दूर संचार जैसी बेसिक बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल रही हैं। वे अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते थे कि वे इस विषय में कहेंगे, वे बताएंगे कि उनकी दिक्कतें कब खत्म होंगी लेकिन प्रधानमंत्री इस पर चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।